गाइस, जो आप अपने पीसी में माल सामान लगाते हो ना, उसको कैबिनेट के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो यार, कैबिनेट हमारे गेमिंग पीसी में काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 बेस्ट बजट कैबिनेट्स के बारे में, जो कि 10,000 रुपए के अंदर आते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक कैबिनेट ढूंढ रहे थे अपने बजट के अंदर जो कि 10,000 रुपए के अंदर है, तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपकी खोज यहीं पे खत्म हो जाएगी। सो हे गाइस, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हो टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूं उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। सो गाइस, चलते हैं मेरे पीसी स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो बेस्ट कैबिनेट्स है जो कि आपको परचेस करने चाहिए अगर आपका बजट 2000 से लेके 10,000 तक था। तो चलते हैं हमारे पीसी स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पे, और मैं एक्चुअल में आप लोगों को 10 कैबिनेट्स बताने वाला हूं, क्योंकि इतने सारे कैबिनेट्स हैं ना कि यार अगर आपको 5 बताऊंगा तो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं आज आप लोगों को 10 बताने वाला हूं जो कि सबसे बेस्ट कैबिनेट्स है 2000 रुपए से लेके 10,000 के बजट में। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि हमारा पहला सबसे बढ़िया कैबिनेट कौन सा है जो 2000 रुपए की बजट में आता है। तो ये कैबिनेट है चिपट्रॉनिक्स का X410B। नाउ ये मिड टावर का एक कैबिनेट है, और ये USB 3.0 के साथ आता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको 2 ARGB स्ट्रिप्स देखने मिल जाती है, और ये साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल 2000 रुपये में आपको टेम्पर्ड ग्लास और 2 RGB स्ट्रिप्स देखने मिलती है। और मैं मानता हूँ कि इस बजट में रहकर भी ये कैबिनेट आपको काफ़ी कुछ ऑफर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.0 का एक पोर्ट मिल जाता है, और 2.0 का आपको पोर्ट मिल जाता है, और ऊपर आपको RGB कंट्रोल का स्विच भी मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो VGA कार्ड है वो 280mm तक लगा सकते हो इसमें, और CPU कूलर 150mm का हाइट का लगा सकते हो। SSD देखने मिल जाता है, हार्ड डिस्क यहाँ पे आप लगा सकते हो, और SSD यहाँ पे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये कैबिनेट बेस्ट है अगर आपका बजट अभी 2000 रुपये है, और 2000 रुपये में आपको कोई कैबिनेट परचेस करना था। तो फिलहाल 2000 रुपये में आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, ओवरऑल ठीक ठाक सा लुक ऑफर करता है। टेम्पर्ड ग्लास होने का फ़ायदा तो ये है कि आप जो कॉम्पोनेंट्स यानी जो आप माल सामान लगाने वाले हो आपके कैबिनेट के अंदर, गेमिंग पीसी के अंदर, तो वो सब आप देख पाओगे यहाँ से। तो ठीक ठाक सा कैबिनेट है अगर आपका बजट 2000 है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सभी कैबिनेट्स के, वहाँ से जाके आप आराम से परचेस कर सकते हो। सो गाइस, अब डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। तो नेक्स्ट कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से। अब ये ICE200TG का कैबिनेट है, ये भी एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। अब ये वाला कैबिनेट आपको पिछले वाले कैबिनेट से थोड़ा सा लुक अलग इसका देखने मिलेगा। यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला RGB है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे भी आपको एक टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है, साइड में PSU श्राउड देखने मिल जाता है नीचे की तरफ, और आपको पीछे की तरफ एक ARGB फैन मिलता है 120mm का, ठीक है। तो ये वाला कैबिनेट 2800 रुपये के आसपास आता है, और मेरे हिसाब से 2800 रुपये में काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, मतलब काफ़ी सेल होता है। जैसा देख सकते हो यहाँ पे अमेजोन चॉइस का कैबिनेट है, और मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 2500 से 3000 रुपये था तो आप ये वाला कैबिनेट आराम से ले सकते हो जाकर। काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, और ऊपर की तरफ आपको एक डस्ट फिल्टर भी, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है। हाँ, मैग्नेटिक, हाँ। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है ये चीज़, आप मतलब एक डस्ट फिल्टर भी आपको 2500 से 2800 के कैबिनेट में देखने मिल रहा है, तो भाई साहब और क्या चाहिए बताओ। मतलब बढ़िया कैबिनेट है, यहाँ पे आपको ये सारे बटन्स मिल जाते हैं, देख सकते हो आप LED बटन है पावर ऊपर ही मतलब, और 3.0 का भी यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने मिल जाता है, और यहाँ पे HDTF कार्ड रीडर का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने मिला है। तो ठीक ठाक सा कैबिनेट है अगर आपका बजट भाई साहब 3000 के अंदर था, तो ये वाला कैबिनेट है जो आप ले सकते हो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, ICE200TG। ओके गाइस, चलते हैं हमारे तीसरे कैबिनेट की तरफ। अब जो हमारा तीसरा कैबिनेट है भाई साहब, ये बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है अगर आप बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। 3500-3600 रुपये में आपको मिलता है एंड स्पोर्ट की तरफ से ICE511MT। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो करंटली अनअवेलेबल ये कैबिनेट है, बट आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो गया है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया इसको रिस्पॉन्स मिला है भाई साहब। आगे की तरफ आप जो मेस देख रहे हो ना, तो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। 3 ARGB फैंस मिलते हैं, और ARGB फैंस भी ऐसे चालू चिल्लर नहीं है, बढ़िया वाले फैंस हैं, मतलब देख रहे हो काफ़ी अच्छा लुक आपको ऑफर करते हैं। नीचे PSU श्राउड देखने मिल जाता है, और इसमें आप अपने GPU को वर्टिकली माउंट कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप शो ऑफ कर सकते हो अपने GPU को लगा कर। तो आपको काफ़ी बढ़िया मतलब इसमें फीचर्स मिलते हैं। 3 ARGB फैन मिलते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और काफ़ी सारे उसमें इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं,
और एक टेम्पर्ड ग्लास साइड में आपको देखने मिल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी तबाही कैबिनेट है जिस प्राइस पे आता है। 3500 रुपये के आसपास अगर आपका बजट है तो ये वाला कैबिनेट आँख बंद करके ले सकते हो। और कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक क्यों होती है, क्योंकि मतलब कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होती है भाई, ये लोग उतना बना नहीं पाए जितना कस्टमर मांग रहे थे। तो सोचो काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। एक डस्ट फिल्टर भी आपको ऊपर देखने मिल जाएगा, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है, तो बढ़िया है। और क्या मतलब चाहिए आपको, इस प्राइस रेंज में ये वाला कैबिनेट बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट बेस्ट है भाई साहब, आराम से जाके खरीद सकते हो। 3500 के आसपास आपको मिल जाएगा, जब अवेलेबल होगा तो आप आराम से परचेस कर सकते हो, फिलहाल तो अनअवेलेबल है। नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं, चौथा कैबिनेट। अब ये आता है एनटेक की तरफ से, NX310। नाउ ये वाले कैबिनेट का लुक मुझे फिलहाल पर्सनली खुद बहुत बढ़िया लगता है, एवेंजर टाइप लुक लगता है, मतलब थानोस टाइप, देख रहे हो क्या मस्त एवेंजर टाइप लुक है भाई साहब। और 3695 रुपये का आता है, और मेरे हिसाब से भाई साहब इस बजट में रहकर भी जो फीचर्स ये ऑफ़र करता है ना, शायद ही आपको कोई कैबिनेट ऑफ़र कर पाएगा ये। मतलब इसका तो खाली मतलब 3600 रुपये में ये जो लुक्स ऑफ़र करता है, मुझे नहीं लगता कोई और अदर कैबिनेट आपको ये लुक ऑफ़र करेगा। मतलब मस्त है भाई साहब, एकदम बढ़िया। इसमें आपको 280mm का लिक्विड रेडिएटर आप लगा सकते हो, साइड में एक टेम्पर्ड ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, ARGB LED फैन है, आगे आप देख सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लुक है। अगर आपको थोड़ा सा हटके लुक चाहिए था, मतलब मैंने जो अभी तक आपको ये तीन कैबिनेट्स बताए हैं, इन तीनों से अलग लुक आपको चाहिए, थोड़ा मतलब डेंजर वाला लुक, डेंजर मतलब भड़काऊ लुक चाहिए आपको, तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। तो अगर आपको थोड़ा अलग लुक चाहिए तो मैंने इसके लिए ये वाला कैबिनेट इस वाले लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो, 3695 रुपये के आसपास है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला कैबिनेट है, ये आता है थर्मलटेक की तरफ से, V200। अब ये काफ़ी पुराना कैबिनेट हो चुका है, बट अभी भी काफ़ी बढ़िया लुक्स ऑफ़र करता है। देखो आप, मतलब मस्त लुक ऑफ़र करता है, और आपको इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, जो इनमें फ़ैन आपको 3 RGB फैन जो देखने मिलता है, तो उसमें आपको 6-7 इफेक्ट देखने यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि ये RGB फैंस नहीं है, बट RGB फैंस है, पर फिर भी काफ़ी बढ़िया लुक्स ऑफर करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको सिंपल एक नॉर्मल सा कैबिनेट चाहिए था, जो कि थोड़ा ठीक ठाक सा बढ़िया लुक ऑफर करे, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इसका मुझे लगता है, तो काफ़ी ठीक ठाक सा कैबिनेट है। और थर्मलटेक एक बढ़िया सा ब्रांड है, तो अगर आपका बजट मतलब 4800 रुपये 5000 रुपये के आसपास था, तो ये वाला कैबिनेट आप चेकआउट कर सकते हो। 3 120mm के एक ARGB फैंस आपको मिल जाते हैं, और ठीक ठाक सा कैबिनेट है भाई, मतलब उतना बढ़िया भी नहीं है, बट थर्मलटेक की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक सा कैबिनेट है, आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट 5000 के आसपास था। तो नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कैबिनेट है, ये मैंने उन लोगों के लिए इंक्लूड किया है जो कि भाई साहब एकदम मस्त लुक चाहिए, मतलब जिनको तबाही लुक चाहिए। अब ये वाला कैबिनेट यार मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब पर्सनली आप कह सकते हो कि ये वाला कैबिनेट और एक ये वाला कैबिनेट मेरा फेवरेट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना। तो ये वाला जो कैबिनेट है चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से, चिप्ट्रॉनिक्स कोबरा, इसका मतलब जैसा लुक है उसका नाम भी रखा हुआ है, चिप्ट्रॉनिक्स कोबरा। अब इसमें 4 ARGB फैंस आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, मतलब 3 फ्रंट में और एक रियर में। और मैं मानता हूँ भाई, अगर आपका बजट मतलब 5700 के आसपास है, तो इससे बढ़िया लुक्स आपको शायद ही कोई कैबिनेट ऑफर करे। मतलब इसका लुक देख रहे हो आप, आ हा हा क्या सही लगता है। और जो फ़ैन दिए गए हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब मस्त आपको इसमें ARGB फ़ैन मिलते हैं, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके मदरबोर्ड में कंट्रोलर हो तो। तो यहाँ पे मतलब देख लो, एक आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है साइड में, PSU सराउड है, और 3 आगे फैन, 1 पीछे। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, केबल मैनेजमेंट आपको काफ़ी अच्छी दी गई है पीछे, अच्छा सा आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हो, और ऊपर आपको डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है, एंटी डस्ट फिल्टर। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको तबाही लुक वाला कैबिनेट चाहिए, मतलब एकदम शानदार लुक वाला कैबिनेट, तो भाई साहब ये वाला कैबिनेट आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। 6000 के अंदर आता है, और काफ़ी बढ़िया लुक्स ऑफर करता है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लुक्स, मतलब बहुत ही बढ़िया लुक्स भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला कैबिनेट आप खरीद सकते हो अगर आपका बजट था 6000 रुपये। सो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। अब नेक्स्ट जो कैबिनेट है ये कूलर मास्टर की तरफ से आता है, कूलर मास्टर बॉक्स MB520 RGB स्टील प्लास्टिक, भाई कुछ अब बड़ा ही सा नाम लग देते हैं ये लोग तो। तो मेरे हिसाब से 6300 रुपये में कूलर मास्टर काफ़ी बढ़िया ब्रांड है। 3 आपको RGB फैंस देखने मिल जाते हैं फ्रंट में,
ARGB नहीं है, RGB फैंस है और टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है। अगर आपको एक कूलर मास्टर का कैबिनेट चाहिए था तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। अब ये पर्सनली मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट भाई बहुत सारे कूलर मास्टर के फ़ैन हैं और ज़रूर एक कूलर मास्टर का कैबिनेट इंक्लूड करना था, तो उसके लिए मैंने ये वाला इंक्लूड कर दिया। और ये वाला कैबिनेट मतलब कूलर मास्टर की तरफ से मुझे अच्छा कैबिनेट लगता है, बढ़िया कैबिनेट है। अगर आपका बजट मतलब 6,500 रुपये है तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। PSC श्राउड भी आपको देखने मिल जाएगा और एयर फ्लो आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। साइड में देख सकते हो एयर फ्लो के लिए आपको थोड़ी बहुत जगह दी गई है। तो मेरे हिसाब से अगर कूलर मास्टर का आपको कैबिनेट ख़रीदना है तो आप ये वाला कैबिनेट ख़रीद सकते हो। कूलर मास्टर MB520 RGB कैबिनेट है, 6,300 का आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कैबिनेट है ये मिनिमलिस्टिक लोगों के लिए, मतलब जिनको भाई साहब मिनिमलिस्टिक लुक पसंद है, काफ़ी क्लीन लुक पसंद है, उन लोगों के लिए ये वाला कैबिनेट है, NZXT का H510। अब ये कैबिनेट भाई बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। अगर आपको आपका डेस्क एकदम क्लीन चाहिए, बढ़िया, मतलब आपको एक थीम क्रिएट करनी है, ब्लैक या फिर वाइट वाली थीम आपको क्रिएट करनी थी, तो इसमें आपको कलर्स भी देखने मिल जाते हैं। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले लो, रेड ऑन ब्लैक चाहिए तो वो भी ले सकते हो। और पर्सनली मेरा ये वाला फेवरेट है, ये ब्लैक एंड वाइट काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आपको एकदम क्लीन सा एकदम मतलब क्लीन डेस्कटॉप वाला लुक चाहिए बढ़िया गेमिंग PC के साथ आपको, तो ये वाला कैबिनेट आप ले सकते हो। PSU श्राउड देखने मिल जाता है, रियर में एक फ़ैन देखने मिल जाएगा और ओवरऑल बढ़िया कैबिनेट है भाई। NZXT मतलब क्या बढ़िया ब्रांड है, साथ में आपको टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे एक देखने मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बढ़िया मॉडर्न डिज़ाइन वाले एकदम मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए तब ये वाला कैबिनेट आप ले सकते हो। बाकी इसमें आपको ज़्यादा तामझाम देखने नहीं मिलता है, बाकी सब कैबिनेट जैसे हैं ये सब आपको RGB फैंस ऑफर करते हैं, ये तामझाम इतना नहीं देखने। अगर आपको इतना तामझाम नहीं मतलब चाहिए तो आप ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। 6,500 रुपये में आता है, काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। NZXT काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मतलब मस्त ब्रांड है भाई। और NZXT का एक कैबिनेट है जो कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, तो उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट से पहले वाले कैबिनेट की तरफ। अब ये उन लोगों के लिए इंक्लूड किया है जिनको एकदम बढ़िया एयर फ्लो चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है समर काफ़ी मतलब हमारे यहाँ चिल्ड समर होती है भाई साहब, चिल्ड बोल रहा हूँ, काफ़ी हॉट समर होती है हमारे यहाँ, और काफ़ी हॉट समर के लिए ये वाला कैबिनेट है। अब ये वाला कैबिनेट आपको काफ़ी बढ़िया एयर फ्लो ऑफर करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब। तीन आपको इसमें ARGB फैंस मिलते हैं, जो कि 120mm का आपको रियर में एक फ़ैन मिलता है और 200mm का दो RGB फैन आपको ARGB फैन फ्रंट में देखने मिलता है। और देख रहे हो टोटल मेस कैसा है, एकदम बढ़िया एयर फ्लो के लिए ही बनाया गया ये वाला कैबिनेट। एनटेक की तरफ से NX800 मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। अगर आपको एयर फ्लो अच्छा क्रिएट करना है, मतलब अगर आप अपना कैबिनेट टेबल के नीचे रखते हो कोने में, जो कि रखना नहीं चाहिए समर में स्पेशली, उसको ऊपर रखो कैबिनेट को जहाँ थोड़ा हवा का आवागमन हो, तो अगर आप ऐसी जगह कैबिनेट रखते हो तो ये वाला कैबिनेट भाई साहब बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है आपके लिए, आप खरीद सकते हो। मतलब मस्त एयर फ्लो आपको देखने मिल जाएगा और इसकी प्राइस आपको 6,900 के आसपास देखने मिल जाती है। तो ये कैबिनेट मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है जो लोगों को अच्छा सा एयर फ्लो देखने चाहिए, जो लोगों को लुक्स पे उतना मतलब ध्यान नहीं देना है। लुक्स भी काफ़ी अच्छी ऑफर करता है, बट मेरे हिसाब से लुक्स उतना अच्छा नहीं है, बट एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इस कैबिनेट के अंदर। तो अगर आपका बजट भाई साहब 7,000 रुपये था और आपको एयर फ्लो काफ़ी अच्छा चाहिए था, तो अब ये वाला कैबिनेट ले सकते हो। नाउ फाइनली चलते हैं पर्सनली मेरे वाले फेवरेट कैबिनेट की तरफ। अब ये जो मेरा वाला फेवरेट कैबिनेट और लास्ट कैबिनेट ये है, अब ये NZXT का ही कैबिनेट है, H510 Elite। अब भाई साहब ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैबिनेट है, कसम बता रहा हूँ। लॉकडाउन खुलने दो, ये कैबिनेट मैं जल्दी ही परचेस करूँगा और मतलब अपने सेटअप पे भाई इसको मैं रखना चाहता हूँ भाई। लुक्स देख रहे हो इसके, क्या लुक्स ऑफर करता है, सिंपल सा एकदम क्लीन डिज़ाइन है। साथ में जो इसमें भाई साहब फैंस है ना, इनका मतलब इनका तो मैं भाई एकदम दीवाना सा हूँ भाई, सब क्या बताऊँ आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये कैबिनेट को डिस्क्राइब करने के लिए, इतना बढ़िया कैबिनेट है। मेरा पर्सनल फेवरेट कैबिनेट है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये जो फ्रंट में आपको दो फैन देखने मिलते हैं ना भाई, क्या क्लीन डिज़ाइन और क्या फ़ैन है, चुम्मेश्वरी फ़ैन है भाई साहब, चुम्मेश्वरी। और काफ़ी बढ़िया मिनिमलिस्टिक लुक देता है ये, टेबल के ऊपर आप रखोगे ना और एक बढ़िया सी थीम बनाएंगे अपने सेटअप में तो मज़ा आएगा आपको देखने में। और काफ़ी बढ़िया, इसमें आप वाटर कूलिंग भी कर सकते हो अगर आपको फ्यूचर में करना हो। यहाँ पे आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है और वर्टिकल GPU माउंट कर सकते हो इसमें आप, तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है भाई साहब।
मतलब सोचो पर्सनल मेरा फेवरेट कैबिनेट हो, कितना अच्छा कैबिनेट होगा ये। और मैं यार ये कैबिनेट परचेस करने वाला हूँ फ्यूचर में, तो जैसे ही लॉकडाउन का खुलने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल रेड जोन में हूँ तो अभी मंगा नहीं सकता, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं ऑर्डर करने की कोशिश करूँगा। और इसकी प्राइस अभी फ़िलहाल तो यार काफ़ी ज़्यादा है, 13,000 के आसपास। तो मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको यार मिनिमलिस्टिक लुक काफ़ी पसंद है, मेरी तरह, मुझे भी पसंद है, तो ऑर्डर करेंगे। बस इसका भी रिव्यू आएगा जल्दी चैनल पे जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो तब तक वेट कर लेना। तो बस गाइज यार ये थे वो 10 कैबिनेट्स, जो कि अगर आपको एक कैबिनेट परचेस करना था तो आई होप कि आप लोगों का सारा मतलब तलाश ख़त्म हो जाएगा यहीं पे और आप एक ना एक कैबिनेट चूज़ कर लिए होगे इनमें से। तो पर्सनली नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा कैबिनेट कौन सा लगा। सो गेमर्स आर्मी, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो तलाश थी गेमिंग कैबिनेट की वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और आपने भी कोई एक कैबिनेट चूज़ कर लिया होगा इन पांचों कैबिनेट में से। और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका वाला फेवरेट कैबिनेट कौन सा है, और अगर आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करोगे तो आप कौन सा कैबिनेट परचेस करोगे। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं विवेक मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।